उसको ख़त्म कर दिया है ताकि बासमती और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और किसान को बासमती के दाम और अच्छे मिले। सामान्य चावल पर भी हमने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था वो हटा दिया है ताकि हमारे देश का चावल बाहर जाए और किसानों को और अच्छे दाम मिले। वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी करने का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने किया है, और मसूर उड़द तुअर जैसी दालें वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएंगी। तो भारत सरकार ने किसानों और गरीबों के पक्ष में अनेकों फैसले किए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में उसका अधिकतम लाभ कैसे मध्य प्रदेश की सरकार उठाए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था, उसमें कई नाम छूट गए थे, तो अब नाम को जोड़ना है। तो हम सर्वे फिर से अगले महीना शुरू कर रहे हैं। चार शर्तें हमने कम कर दी। एक, दो पहिया वाहन जिनके पास होते थे उनको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलता था। अब दो पहिया वाहन तो सबके पास है, तो कई लोग कट जाते थे। अब दो पहिया वाहन हैं तो अभी आवास देंगे। पहले 10,000 रुपया से ज़्यादा आमदनी हो तो आवास नहीं मिलेंगे। अब लखपति दीदी हमें बनाना है तो 10,000 रुपया महीना तो कम से कम चाहिए, तो 10,000 में उनके आवास कट गए तो क्या होगा, तो तय कर दिया 15,000 तक आमदनी जिनकी है उनको पीएम आवास मिलेंगे। तीसरी चीज़, फ़ोन अगर किसी के पास है तो आवास नहीं मिलेगा। अब तो मजदूर भाई भी जा रहा है, बहन भी जा रही, तो जेब में फ़ोन तो होता ही है, तो अब फ़ोन भी अगर पास में है तो अभी आवास नहीं कटेंगे, उनको भी आवास मिलेगा। और किसानों के लिए भी 2.5 एकड़ तक सिंचित ज़मीन और 5 एकड़ तक असिंचित ज़मीन वाले किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान देंगे। इसका सर्वे अक्टूबर के पहले सप्ताह से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ठीक से सर्वे हो, कोई नाम ना छूटे, इस पर भी चर्चा हुई। तो इन्हीं विषयों पर जो किसान कल्याण से संबंधित थे, गरीबों के कल्याण से संबंधित थे, उन पर चर्चा हुई है। सर, झारखंड और जम्मू कश्मीर में लगातार तो आप दौरे कर रहे हैं, लाडली बहनों का सर वहां देखिएगा चार राज्य। अब हम महाराष्ट्र भी, हम अब हरियाणा भी जा रहे हैं। तो सर, लाडली बहनों का मध्य प्रदेश में तो दिखा था आपके समय, तो अब दिखेगा चार। देखिए, ये योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू हो रही है, और जो हमारे विरोधी हैं जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना ले आए, वो भी हमारी ही नकल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अंतरात्मा से हृदय से कर रही है। हम मध्य प्रदेश में पैसा दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल रही है, सब जगह पैसे डाल रहे हैं। ये केवल चुनावी लाभ के लिए कोशिश कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, और मुझे खुशी है कि इस योजना या नाम बदल के इस योजना को दूसरे नाम से भी जो लागू कर रहे हैं वो महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। ठीक है, चुनाव को लेकर पार्टी तय करेगी।